हेलो दोस्तों, आज मैं ओरा का क्विक रिव्यू देने वाला हूँ। ये मेरा ओरा का SX CNG मॉडल है, और जब मैंने लिया था वो लॉन्च ही हुआ था। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करता हूँ डैशबोर्ड का रिव्यू। तो लेफ्ट लेफ्ट पे AC का वेंट है, और यहाँ से अगर देखोगे तो वो मतलब हीटर जब चालू होता है तो हीटिंग थोड़ा सा आता है वहाँ से। ये AC का वेंट है, यहाँ से आप चालू बंद कर सकते हो। देन यू हैव दिस स्पेस एंड दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड। दिस इज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेट मी स्टार्ट द कार। तो ये ऐसा दिखता है, कंफर्म करना है हमें। तो इसमें अगर देखोगे आप तो SX मॉडल होने के कारण टच स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिला है, और इसमें कैमरा पर मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। अगर देखोगे आप, मैं रिवर्स गियर अगर डालता हूँ तो इट विल स्टार्ट द रिवर्स पार्किंग। एंड डैशबोर्ड पर तो ये सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि रेडियो का लेफ्ट मतलब ये गाने लेफ्ट नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए है। देन यू कैन सेट अप द रेडियो चैनल्स यूजिंग दिस बटन। उसके बाद फिर आता है ट्यून द रेडियो चैनल्स। यहाँ पे हम ट्यून कर सकते हैं। राइट पे है रेडियो मीडिया, ये स्विच कर सकते हैं हम। यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इज़ द AC है, ये AC के वेंट से दो। और नीचे जो है AC के कंट्रोल्स है, यहाँ पे हम टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ फैन, फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। AC चालू बंद करने का बटन यहाँ पे, और ये डायरेक्शन का है, मतलब कहाँ पे AC का जो फ्लो है, हवा का फ्लो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मेन अपना जो ये है स्पीडोमीटर है लेफ्ट में। यहाँ पे अगर देखोगे तो डॉट स्पीडोमीटर राइट में बेसिकली, और लेफ्ट में है RPM मीटर है ये। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऐसे बार्स दिख रहे हैं। एक तो राइट वाला है पेट्रोल का जो अभी है, और CNG का है लेफ्ट में। और अभी तक मैंने गाड़ी चलाई है 13,365 किलोमीटर। सो वो किलोमीटर टोटल किलोमीटर से ऊपर जो अपना जो टूर है उसका किलोमीटर है वो। तो ट्रिप जो है मतलब ट्रिप स्टार्ट की मैंने उसका किलोमीटर है। उसके अलावा अगर स्टीयरिंग पे देख रहे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी है, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टू रिसीव अ कॉल, कॉल रिसीव करने वाला बटन है, डिसकनेक्ट वाला है। फिर ये वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, और ये नेक्स्ट प्रीवियस अगर गाने चले या फिर स्टेशन है रेडियो का तो हम नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। फिर वॉइस कमांड के लिए है, लाइक वाइल ड्राइविंग अगर कुछ कमांड देनी है गाने की या फिर, तो ये यहाँ से दे सकते हैं। ये मोड बेसिकली रेडियो और म्यूज़िक मोड अगर चालू है आपको, दोनों में स्विच करने के लिए मोड है ये। उसके अलावा ये सेंटर में तो हॉर्न होता है, और ये राइट वाला AC वेंट है। उसके नीचे आप देखोगे तो पुश स्टार्ट बटन है, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप गाड़ी। अब ये स्टॉप कर दी मैंने। फिर नीचे यहाँ पे दो बटन्स दिख रहे हैं, एक तो ये स्विच करने के लिए पेट्रोल से CNG में, अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप हिली एरिया पर ड्राइव कर रहे हो और कुछ अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है गाड़ी, तो यू कैन स्विच टू द पेट्रोल, तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस। या हिली एरिया पर थोड़ा CNG पे इशू आता है, दैट आई हैव फेस्ड, बट नॉर्मली प्लेन रोड पे कोई इशू नहीं आता है सच। तो ये यहाँ से स्विच कर सकते हो आप पेट्रोल पे या पेट्रोल से CNG पे, वाइस वर्सा। और फिर यहाँ पे है अपना ये राइट का लाइट का एडजस्टमेंट, जो अपना आगे वाला लाइट है उसका जो फोकस है उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आई थिंक नीचे का एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप नीचे, तो एक तो ये चार्जिंग के लिए है, ये चार्जिंग USB पोर्ट है, ये दूसरा है फास्ट वाला है। तो दो तीन है USB पोर्ट भी, ये है दो USB पोर्ट और ये चार्जिंग के लिए है। तो आई थिंक या लेट्स ऑल अबाउट द डैशबोर्ड। थैंक यू।